जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जाट समाज की नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए ऐसा माना गया कि राजस्थान में 11 सीटें भाजपा के हाथ से निकल गई, तो क्या वो जाट समाज की नाराजगी हरियाणा विधानसभा चुनाव में नहीं चल पाई? अब इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। दरअसल हरियाणा में 27 से 28% वोट मतदाता जाट है और ऐसा माना जाता है जाट जिस खाट पर बैठ जाता है सत्ता उनके हाथ लग जाती है। तो क्या जाट समाज ने कांग्रेस को दरकिनार किया है और फिर से भाजपा का दामन थामा है? इसको लेकर जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, ऐसे इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही यह चर्चा की जा रही थी कि जाट समाज नाराज चल रहा है, चाहे वे सत्ता में रहने वाली भाजपा पार्टी के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे निर्दलीय नेता हो, सभी जाट समाज को एक विशेष तरजीह नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं जाट समाज के नेता नाराज है। इसका परिणाम भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के परिणामों की जब समीक्षा की गई तब भी कहा गया कि जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए हैं, ऐसी सीटों पर भाजपा ने सीट खो दी जहां पर या तो जाट बाहुल्य मतदाता है या फिर जाट समाज के मतदाता निर्णायक भूमिका में है। तो क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में वह जादू नहीं चल पाया या फिर जाट नाराज ही नहीं है? दरअसल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ते हुए अपने पार्टी राजस्थान के कई जाट समाज के दिग्गज नेताओं को हरियाणा में प्रचार के लिए भेजा था और ऐसा माना जा रहा था कि उनका जादू जिस तरह राजस्थान में चला था वैसे ही अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी चलेगा, लेकिन वह जादू हरियाणा विधानसभा चुनाव में नहीं चल पाया और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो क्या अब उपचुनाव में भी जाट समाज की नाराजगी क्या कांग्रेस को फायदा नहीं दिला पाएगी? क्या जाट समाज इस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ चला गया, क्या फिर से राजस्थान के उपचुनाव में भी भाजपा का दामन थामेगा और एक बार फिर से भाजपा को जीत दिलाएगा? राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर जाट बाहुल्य वोट बैंक है। खींवसर विधानसभा की बात करें, झुंझुनू की बात करें या देवली उनियारा की बात करें, ऐसी कई सीटें हैं जहां पर या तो आदिवासी बाहुल्य संख्या में है या जाट बाहुल्य संख्या में है। दोनों ही समाज जो है भाजपा से नाराज बताए जाते थे, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव ने पूरी परिपाटी ही परिवर्तित कर दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जाट समाज से आने वाले स्टार प्रचारकों की बात करें तो उसमें उमेद राम बेनीवाल, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और बाद में जैसे लोकसभा सीट से एक बड़ी जीत हासिल की थी, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था और रविंद्र सिंह भाटी जैसे उम्मीदवार को उन्होंने हराया था, ऐसे में उनका कद बड़ा था। इसके साथ ही भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए चूरू से सांसद राहुल कस्वा का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल था। उन्होंने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में जाकर प्रचार किया था। ऐसे में ऐसा माना जा रहा था कि जिस तरह से उन लोगों ने प्रचार किया, कांग्रेस यहां पर बड़ी जीत हासिल करेगी, लेकिन ना तो जाट समाज की नाराजगी ना ही इन जाट नेताओं का जादू ज्यादा चल पाया और आने वाले उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता है कि क्या जाट समाज अब भाजपा की तरफ जाएगा या वे फिर से ये मतदाता अपनी तरफ खींच पाएंगे। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।